हेलो एवरीवन, इसके वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरीके से कोर्स को बाय करें और कैसे हमें क्लासेस लेना है। तो क्विकली फटाफट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से शिक्षाधाम ऐप डाउनलोड करना है। जैसे ही आप प्ले स्टोर पर जाएंगे, यहाँ पे आपने लिखना है शिक्षाधाम। शिक्षाधाम आते ही आपके सामने आ जाएगा। मैंने तो डाउनलोड किया हुआ है इसलिए मुझे दिख रहा है। आप इसे ओपन करेंगे, ये सामने आपका इंटरफेस आएगा। लेकिन हाँ, ओपन करने से पहले ध्यान रखिएगा फ़ोन नंबर और OTP से आपका लॉगिन होगा। ये इसके बाद ये होम स्क्रीन है जिसके अंदर आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है। तो काफ़ी बच्चे यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको सीधा चलना है स्टोर पे कोर्स ख़रीदने के लिए। यहाँ पे आपको सारे कोर्सेज मिलती है, ड्रैग करोगे तो सारे कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। तो अब देखते हैं हम, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एक कोर्स भी मैं खरीद के दिखाऊँगा कि कैसे कोर्स को ख़रीदा जाता है, डेमो भी कैसे लिया जाता है। जैसे मैंने फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे क्लिक किया। फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आप ड्रैग करा अपने कंटेंट पे गए। तो जैसे लीवरेज है, लीवरेज में आपको डेमो देख सकते हो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। जैसे फर्स्ट क्लास डेमो है, अभी स्क्रीन ब्लैक शो होगा लेकिन जब आप प्ले करोगे तो क्लियर शो हो जाएगा। यहाँ पे वीडियो चलने लगेगी ऑटोमेटिकली। आप देखोगे लीवरेज मैंने करा रखा है और ये चलने लगा और वॉइस भी आ रही होगी, पर आपको ब्लैक होगा क्योंकि हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते वीडियो के अंदर। तो चलिए, ये भी समझ में आ गया सर, फ्री डेमो कैसे देखेंगे। हर किसी के अंदर जहाँ पे फ्री कंटेंट है ना, वहाँ डेमो है। अब बाय करने का प्रोसीजर समझते हैं और कूपन कैसे लगाएंगे। हमने बाय पे क्लिक किया, उसके बाद अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने दिल्ली कर लिया सेलेक्ट, बाय डिफ़ॉल्ट कर दिया मैंने और प्रोसीड्स टू पेमेंट पे गए। तो जैसे ही हम आगे फर्दर जाएंगे, तो इस केस के अंदर हमने अभी तक कूपन नहीं लगाया, डायरेक्ट यही पेमेंट करना होगा 1025। सर, 25 रुपये यहाँ पे आपके होते हैं इंटरनेट चार्जेस जो कि आपको पे करने होते हैं बाहर दिखाने का, ठीक है। चलिए सर, दूसरा कुछ बताइए, इसके अंदर कूपन कैसे लगाएंगे। यहाँ से डायरेक्टली पेमेंट कर सकते हैं आप। कूपन कहाँ लगेगा, जैसे ओवरव्यू को नीचे ड्रैग करेंगे ना, तो यहाँ पे आपको कूपन का ऑप्शन आता है। देखो, व्यू कूपन अवेलेबल है। अगर आपके पास कूपन यहाँ शो होता है तो जैसे मुझे शो हो रहा है तो मैं अप्लाई कर सकता हूँ। अदरवाइज़ यहाँ पे जो कूपन कोड दिया गया है, जैसे कि आपको दिया गया है 100 रुपीज़ ऑफ गेट 100, तो यहाँ पे सिंपली आप कैपिटल में लिखें स्मॉल में लिखें फ़र्क नहीं पड़ता। आपको लिखना क्या है, गेट 100। आपने गेट 100 लिखा तो गेट 100 लिखते ही आपका क्या होगा, कोर्स का प्राइस रिड्यूस हो जाएगा। जैसे सपोज़ करो, देखो कूपन अप्लाई हो गया तो कोर्स का प्राइस क्या हो गया हमारा, यहाँ पे रिड्यूस हो गया गेट 100 लिखते ही। अब यहाँ पे मैंने गेट 100 लिखा और मेरा कोर्स का प्राइस रिड्यूस हो गया। अब यहाँ पे कहेंगे सर आपका 29 रुपीज़ शो हो रहा है, बिल्कुल वो कूपन का कोड सेट किया हुआ है, ये सिर्फ डेमो है। आप करोगे आपका 100 रुपीज़ शो होगा वहाँ पर, ठीक है ना। इसके बाद क्योंकि एक कूपन और मेरे ऊपर बनाया हुआ था एज अ ट्यूटोरियल पर्पज़। अब आगे जाते हैं, ठीक है, परचेज़ करेंगे। परचेज़ करने के बाद यहाँ पे गेटवे आएगा। गेटवे आने के बाद आपको सिंपल सा फ़ोनपे, पेटीएम, यहाँ UPI ID भी डाल सकते हैं। कुछ बच्चे परेशान होते हैं UPI ID कैसे डालें, तो देखिए यहाँ पे हर किसी का UPI अपना डला हुआ है। अगर आपको UPI ID नाम है तो आप अदर पे जाएं और अदर पे देखेंगे, यहाँ पे देखिए आपको एंटर करने का ऑप्शन आ जाता है UPI ID। अब यहाँ पे जैसे जाएंगे डाल सकते हैं। हर किसी का UPI ID क्या होता है, जैसे कि फ़ोन नंबर है, फ़ोन नंबर के अंदर UPI ID क्या होता है कि आपका फ़ोन नंबर होता है @PayTM होता है मैक्सिमम केस में। आप वहाँ जाके देखेंगे, वहाँ मिल जाएगा। चलिए, UPI ID से नहीं करना आपको पेमेंट तो आप डायरेक्टली पेटीएम पे क्लिक करिए, रिडायरेक्ट हो जाएगा। अगर आपके फ़ोन में पेटीएम है तो वो पेटीएम पे चला जाएगा। कई बार जैसे कि नॉट रिस्पॉन्ड आ रहा है तो आप UPI ID डाल दें, डायरेक्टली वो वहाँ से हो जाएगा। देखिए, जैसे मैंने फ़ोनपे किया है तो वो रीडायरेक्ट कहाँ पे हो जाएगा, मेरे फ़ोनपे पे, ठीक है। तो ये मेरे फ़ोनपे पे आ गया, सीधा मैंने पेमेंट कर दिया। मैं पेमेंट करके दिखा रहा हूँ, जैसे ही मैं पेमेंट करूँगा तो अभी सारे कोर्स ना लॉक्ड थे। अभी जितने वीडियोस थे वो आपने देखे होंगे, ध्यान से आप पीछे करके देखिएगा, वीडियो लॉक्ड मिलेंगे आपको। जैसे ही पेमेंट होगा, रीडायरेक्ट होगा, यहाँ पे आएंगे, आपके सामने बिल भी आ जाएगा, सारी फी रिसिप्ट भी आ जाएगी, ईच एंड एवरी नोटिफिकेशन आ जाएगा। देखिए, फी रिसिप्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे आपके डाउनलोड का भी ऑप्शन आ गया और साथ के साथ और भी सारी चीज़ें मिल जाएंगी। सारी वीडियो अनलॉक्ड हो चुकी है, आप किसी भी वीडियो को देख सकते हो क्लास वाइज। सर, ये तो समझ में आ गया, इसके बाद की कहानी क्या है। इसके बाद की कहानी ये है कि अब आपको क्या क्या चीज़ें, फ़ीचर्स मिलने वाली हैं उसको ध्यान देते हैं। चलिए, हम आ जाते हैं। हमने जो भी कोर्स ख़रीदा होगा हमें यहाँ पे दिख जाएगा, हमारे डेस्कटॉप पे ही आ जाएगा हमारा कोर्स जो भी ख़रीदा होगा। किस में आएगा सर, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ तो बाय का ऑप्शन आ रहा है। आपने जो भी कोर्स ख़रीदा है, थोड़ी देर टाइम लगता है सिंक्रोनाइज़ होने में। जैसे सिंक्रोनाइज़ होगा, एक बार रिफ्रेश कर देते हैं तो यहाँ पर दिख जाएगा हमें। अब देखते हैं सर, यहाँ पर हमने जो कोर्स ख़रीदा है वो शो हो रहा है, नहीं हो रहा तो हाँ ठीक है। कहाँ गया फाइनेंशियल मैनेजमेंट, अभी देखिए, अभी आ गया आपका कोर्स ओपन हो चुका है। सर, कहाँ से देखना है, या तो आप प्रोफाइल में जाइए, सिंपल प्रोफाइल में कोर्स में जाइएगा, यहाँ पे शो होने लग गया, ठीक है ना। आप यहाँ से क्लिक कर सकते हैं पहली बार।
दूसरा आप होम पेज पे जाएंगे, होम पेज पे आपको होम पेज पे ही शो होने लगेगा आपका कोर्स। अभी थोड़ा सा इसको मतलब कि पूरा पूरे तरीके से यहाँ पे इम्प्लीमेंट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, फिर आपको यहीं शो होगा होम पेज पे, ठीक है ना। दूसरा आप स्टोर में जा सकते हैं, स्टोर में जाने के बाद भी आपको यहीं पे स्टार्टिंग में शो हो जाएगा योर परचेज कोर्स के नाम से, ठीक है। और वैसे भी यहाँ पे रिकॉर्डेड लाइव क्लास, मैं प्रोफाइल में से चले जाता हूँ, कोर्स पे क्लिक किया। अब देखिए ये कंटेंट रिकॉर्डेड वीडियोस हैं भाई साहब, ये रिकॉर्डेड है। आप बच्चे आपको ध्यान देना है, ये सारी चीज़ें रिकॉर्डेड हैं जो कि रिकॉर्डेड होता है। यहाँ पे सारे लाइव क्लास शो होंगे, जैसे आपके लाइव क्लास अभी स्टार्ट होने वाला है 20 तारीख से, तो वो सारे लाइव क्लास शो होंगे डेली बेसिस पे। जो लाइव क्लास होगा वो कंटेंट में भी आपको दिखेगा, अनाउंसमेंट कोई भी अनाउंसमेंट होगा यहाँ पे आ जाएगा आपका। तो सारी फैसिलिटीज में अंदर गिवन होती है, आपका टेस्ट वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे आती है। आप लैपटॉप पे भी देख सकते हो, मोबाइल पे भी देख सकते हो, टैब पे भी हर जगह देख सकते हो। तो बहुत सिंपल और सारी क्लासेस वन टू एंड मिलने वाली है। तो बस मुझे इसके अंदर मेनली बताना था कि किस तरीके से हमारा रहेगा सारा प्रोसीजर। तो ठीक है, अब बस वीडियो को बहुत शॉर्ट बनाना था, इसी को शॉर्टकट लेते हैं। अब हम थोड़ा सा और इसके अंदर आगे पार्ट ऐड करेंगे कि अगर कोई बच्चा वेब पेज पे जाता है तो किस तरीके से बाय करेगा, ठीक है। अब ये तो था एप्लीकेशन का, अब वेब पेज का भी देख लेंगे।